नमस्कार बच्चों, आज का जो टॉपिक है आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने सिंड्रोम। ठीक है, आइए आज हम सिंड्रोम के विषय में बात करते हैं। और देखिए, इसमें सिंड्रोम में होता क्या है कि क्रोमोसोम में जो हमारे क्या होते हैं ह्यूमन में सॉरी 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम की जो नंबरिंग में गड़बड़ी की वजह से कभी ज़्यादा होते हैं या कभी कम होते हैं ऑटोसोम पे और सेक्स क्रोमोसोम पे, तो वो सिंड्रोम कहते हैं उसको। ठीक है, तो सिंड्रोम में सबसे पहले आज क्या है, टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या है सॉरी 2n-1। ठीक है, हम लोग क्या होता है 46 होता है, 46 में टर्नर में कितने हो जाते हैं 45 हो जाते हैं। 2n मीन्स क्या हो जाएगा, 2 into क्या हो जाएगा 23 = 46। 46 मतलब ये क्या हो जाएगा 2n-1, यानी कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम कितने हो गए 45 हो गए। ठीक है, 1x क्रोमोसोम इज शॉर्ट, इसमें एक जो है एक्स क्रोमोसोम वो अब्सेंट होता है। इसमें देखिए दो कंडीशन हो सकती है, एक्स क्रोमोसोम आपके एक्स क्रोमोसोम मेल में भी होते हैं, मेल में कितने होते हैं एक होते हैं और फीमेल में कितने होते हैं दो होते हैं। ठीक है, नॉर्मल ओवम फर्टिलाइज विद द एबनॉर्मल एक्स वाई स्पर्म। जब नॉर्मल ओवम में प्रति फीमेल जो है वो नॉर्मल है और जो मेल है वो क्या होता है इसमें एबनॉर्मल कंडीशन में एक्स वाई उसके पर होता है, तो उसमें कंडीशन में भी टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा या एबनॉर्मल ओवम हो जाएगा फर्टिलाइज विद नॉर्मल एक्स वाई क्रोमोसोम तो भी वो हो जाएगा। ठीक है, जब स्पर्म एबनॉर्मल हो जाएंगे तो भी इस कंडीशन में हो जाता है, क्या होता है तो उसमें जो है टर्नर सिंड्रोम की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। अब इसके कैरेक्टर्स क्या आते हैं, शॉर्ट इन स्टेचर, अपने जो लंबाई जो कदर में जो होते हैं वो छोटे होते हैं। उसके बाद लूज ज्वाइंट्स, पर्टिकुलरली इन एंकल, जो ज्वाइंट्स होते हैं वो बिल्कुल लूज होते हैं, स्पेशली कहाँ होते हैं उनके एंकल्स में होते हैं। ठीक है, ब्रॉड स्कल, जो सिर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जो स्कल होता है वो बड़ा होता है। वाइड नॉस्ट्रिल और जो नॉस्ट्रिल होते हैं जो नाक के जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो क्या होते हैं वो बिल्कुल चौड़े होते हैं। लार्ज टंग और जीभ क्या होती है वो लंबी होती है। तो ये फीचर्स इस टर्नर सिंड्रोम में पाए जाते हैं। अब आइए बात करते हैं एडवर्स सिंड्रोम की। एडवर्स सिंड्रोम क्या होता है, इसके डिस्कवर किसने किया था, एडवर्स सिंड्रोम के डिस्कवर एडवर्ड ने किया था, इसीलिए इसको एडवर्स सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, एबनॉर्मलिटी ड्यू टू द ट्राइसोमी 18, जो 18वीं जो ट्राइसोमी पे एबनॉर्मलिटी पाई जाती है तो एडवर्स सिंड्रोम यह होता है। इसके कैरेक्टर्स क्या देख लेते हैं, स्मॉल माउथ, ठीक है, हेयर लिप, ठीक है, मेंटल डिफिशियंसी, शॉर्ट स्टर्नम, स्मॉल माउथ है, मोस्ट जो क्या होते हैं माउथ होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, हेयर लिप मिस होते हैं, जो खरगोश के जो आप लिप देखे होंगे एक उसको बोलते हैं उस टाइप से उसके होंठ बने होते हैं। और मेंटल डिफिशियंसी, जो मेंटल में कुछ उसकी कुछ कमियां पाई जाती हैं मानसिक रूप से। ठीक है, शॉर्ट स्टर्नम, स्टर्नम क्या होते हैं शॉर्ट होते हैं छोटे होते हैं। और 90% डाई, 90% जो चाइल्ड होते हैं वो विद इन 6 मंथ के अंदर वो डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, इसका भी डिस्कवर किसने किया था, पटाउ ने किया था 1960 में। ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी ड्यू टू ट्राइसोमी 13, ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी इसमें होती है। ठीक है, और ड्यू टू ट्राइसोमी 13 पे इसकी ट्राइसोमी होती है। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मेंटल डिफिशियंसी वही है, मानसिक जो बीमारी कुछ होती है इसमें। उसके बाद डीफनेस होते हैं, कम सुनाई पड़ता है, कार्डियक जो होता है वो एबनॉर्मल होता है, इनका जो कार्डियक होता है जो हार्ट होता है वो कुछ एबनॉर्मलिटीज उसमें पाई जाती है। बेटा एक और जो होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम उसमें क्या होते हैं एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, मीन्स एक्स एक्स वाई, ये किस पे होते हैं ये मेल में होते हैं, क्या होते हैं एक्स एक्स वाई, ये तो नॉर्मल हो गया लेकिन एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं किसमें पाए जाते हैं ये मेल में होते हैं। ठीक है, मेल में होने की वजह से एक एक्स और आ जाता है जिसके वजह से जो मेल में जो कुछ करेक्टर क्या होते हैं फीमेल के प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तो उसको जो होते हैं वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है।